इसके अलावा दो सूबाई असम्बलियों पे जो पेशावर के अर्बन इलाके हैं जहां टारगेटेड उन्होंने लोगों को पास कराया है केपी में, और केपी में चूंकि हमारा कल्चर ही ऐसा है कि यहाँ पे किसी से जीत छीनना कोई आसान काम नहीं है, ये इनके बिसात में ही नहीं था कि जीत जो है हमसे छीनते। हमारी आप सब की हमारी मिसाल पूरे पाकिस्तान के सामने है, अगर हमने जीती है ये सीट, हमने इसमें मेहनत की है, वर्कर ने वोटर ने वोट दिया है, तो फिर DRO या RO रिटर्निंग ऑफिसर की क्या मजाल। अलबत्ता एक चीज में वाजे कर दूं, KP में पुलिस ने हमारे साथ बहुत ज्यादा जुल्म किया, और इस मीडिया टॉक के जरिए मैं ये वारन कर रहा हूं कि जहां पे भी जिस पुलिस ऑफिसर ने गलत FIR की है हमारे वर्कर्स के खिलाफ, इस तमाम का खमियाजा भुगतना होगा IGKP को। और IGKP 3 RPOs और 7 DPOs तैयारी पकड़े कि वो अनकरीब जेल जा रहे हैं। मैं खुद उनके केसेस उनके खिलाफ केसेस की पैरवी करूंगा, छोड़ना हमने नहीं है। जो जुल्म आपने किया हम वार्न करते रहे आपको कि बाज आ जाओ बाज आ जाओ। आपने अपनी वर्दी की मट्टी भी पलीत की, आपने PSP का जो रिस्पेक्ट था उसको भी मलियामेट किया, और फिर खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस के शहादा का जो इमेज था, जो पीपल लोग अवाम जो थे वो अपनी पुलिस से जो मोहब्बत करते थे, उस बॉन्ड को आपने तोड़ा, आपने अपने अकदार को बुरी तरह मलियामेट किया। तो लिहाजा मैं ये ऐलान करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत साजी के बाद जो सबसे पहला काम करेगी सिर्फ उन FIR को। अब इन्होंने हम कोशिश करेंगे कि सियासी केसेस वापस न लें, बल्कि हम उनको कहेंगे कि अब आप आए और साबित करें। जिधर जिधर कोई SHO या DPO केस साबित नहीं करेगा उसके खिलाफ हम हुकूमत में आने के बाद पर्चे करेंगे। इसके अलावा दो सूबाई असम्बलियों पे जो पेशावर के अर्बन इलाके हैं जहां टारगेटेड उन्होंने लोगों को पास कराया है KP में, और KP में चूंकि हमारा कल्चर ही ऐसा है कि यहाँ पे किसी से जीत छीनना कोई आसान काम नहीं है, ये इनके बिसात में ही नहीं था कि जीत जो है हमसे छीनते। हमारी आप सब की हमारी मिसाल पूरे पाकिस्तान के सामने है, अगर हमने जीती है ये सीट, हमने इसमें मेहनत की है, वर्कर ने वोटर ने वोट दिया है, तो फिर DRO या RO रिटर्निंग ऑफिसर की क्या मजाल। अलबत्ता एक चीज में वाजे कर दूं, KP में पुलिस ने हमारे साथ बहुत ज्यादा जुल्म किया, और इस मीडिया टॉक के जरिए मैं ये वारन कर रहा हूं कि जहां पे भी जिस पुलिस ऑफिसर ने गलत FIR की है हमारे वर्कर्स के खिलाफ, इस तमाम का खमियाजा भुगतना होगा IGKP को। और IGKP 3 RPOs और 7 DPOs तैयारी पकड़े कि वो अनकरीब जेल जा रहे हैं। मैं खुद उनके केसेस उनके खिलाफ केसेस की पैरवी करूंगा, छोड़ना हमने नहीं है। जो जुल्म आपने किया हम वारन करते रहे आपको कि बाज आ जाओ बाज आ जाओ। आपने अपनी वर्दी की मट्टी भी पलीत की, आपने PSP का जो रिस्पेक्ट था उसको भी मलियामेट किया, और फिर खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस के शहादा का जो इमेज था, जो पीपल लोग अवाम जो थे वो अपनी पुलिस से जो मोहब्बत करते थे, उस बॉन्ड को आपने तोड़ा, आपने अपने अकदार को बुरी तरह मलियामेट किया। तो लिहाजा मैं ये ऐलान करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत साजी के बाद जो सबसे पहला काम करेगी सिर्फ उन FIR को। अब इन्होंने हम कोशिश करेंगे कि सियासी केसेस वापस न लें, बल्कि हम उनको कहेंगे कि अब आप आए और साबित करें। जिधर जिधर कोई SHO या DPO केस साबित नहीं करेगा उसके खिलाफ हम हुकूमत में आने के बाद पर्चे करेंगे। कुदरत की तखलीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए।
कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या सालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराहे रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।